महाराष्ट्र के दौरे पर वाशिम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माता जगदम्बा के मंदिर में लगाई हाजिरी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बजाया नगाड़ा, देश में सुख शांति की कामना। महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी की किसान वाली सौगात, हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बंजारा विरासत म्यूजियम का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, बंजारा संस्कृति के दिखेंगे रंग। हरियाणा में लोकतंत्र का महोत्सव जारी, 90 सीटों के लिए किया जा रहा मतदान। मतदान में पहली बार शामिल युवाओं में दिखा खास उत्साह, मनुभाकर ने झज्जर में डाला वोट। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में युवाओं से की वोटिंग रिकॉर्ड बनाने की अपील, पहली बार वोट करने वालों को बधाई। करनाल में वोट डालने के बाद बोले एमएल खट्टर, कहा तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी। हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान, वोटिंग से पहले गुरुद्वारे में अरदास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की जनता से अपील की, एक्स पर लिखा न्याय की सरकार के लिए करें वोट। हरियाणा के हिसार में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह, कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी ने किया मतदान। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, डाला वोट। हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने डाला वोट, बीजेपी की कड़ी बड़ी जीत का दावा किया। बबीता फोगाट ने लोकतंत्र के उत्सव में लिया हिस्सा, चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने हरियाणा चुनाव में लिया हिस्सा, कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में किया मतदान। वोटिंग से पहले गोपाल गोयल कांडा ने किया पूजा पाठ, हरियाणा लोकहित पार्टी से सिरसा से उम्मीदवार हैं। अंबाला के कैंट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे बीजेपी नेता अनिल विज, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अनिल विज ने एक बार फिर से ठोका दावा, कहा जनता चाहती है मैं बनूं मुख्यमंत्री। जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला ने लोकतंत्र के उत्सव में लिया हिस्सा, सिरसा में किया मतदान। आज नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की पूजा का आज विशेष दिन। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई विशेष आरती, सुबह ही भक्तों का लगा तांता। नवरात्र के तीसरे दिन कांगड़ा के बज्रेश्वरी मंदिर में सुबह से उमड़ी हजारों की भीड़, लोगों ने किए दर्शन पूजा। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना, दूर दूर से पहुंचे भक्त।